नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नित्यम क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीवों का नामकरण। क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है जीवों का नामकरण, ये हमारे पिछले जो हमने क्लासेस में ली थी, टॉपिक था हमारा वर्गीकरण, ये उससे ही जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जीवों का जो वर्गीकरण है वो हम करते क्यों है, तो इसी आधार पर आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा भाई, जीवों का नामकरण। जीवों का नामकरण। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जीवों का नामकरण से हमारा क्या अर्थ है, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनको विभिन्न स्थानों पर हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हमको क्या होती है, अध्ययन में दुविधा होती है, अध्ययन में सुविधा नहीं होती हमको, हमको उनके अध्ययन में क्या होती है, डिफिकल्टीज आती है। जैसे अगर हम मान के चले हमारे एक जीव का नाम है गोरैया, क्या है ये गोरैया, इस गोरैया को, ये एक छोटा पक्षी होता है, क्या है ये एक छोटा पक्षी होता है। इस छोटे पक्षी को हम उत्तर भारत में क्या बोलते हैं, हम इनको गोरैया बोलते हैं। तो उत्तर भारत में हम इसको ही क्या बोलते हैं भाई, गोरैया बोलते हैं। और इसी को हम क्या दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत में गोरैया को पिचुका बोला जाता है, ठीक है। और इसी गोरैया को इंग्लैंड में क्या बोला जाता है भाई, हाउस स्पैरो। हाउस स्पैरो। और इसी गोरैया को जापान में क्या बोला जाता है भाई, सुजून बोला जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि हमारे पास पक्षी एक ही है, क्या है, पक्षी एक ही है गोरैया, लेकिन इस गोरैया पक्षी को विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसी हमको अध्ययन में क्या होती है, इसको दुविधा होती है। तो इसी अध्ययन में दुविधा को दूर करने के लिए जीवों के नामकरण के लिए एक पद्धति डेवलप की गई, जिस पद्धति का नाम क्या होता है, द्विनाम पद्धति। अब अगर हम और जाने कि और केवल इसी आधार पे हमने क्यों लिया, अगर और को भी हम जाने, एक उदाहरण और हम लेते हैं, एक उदाहरण और है हमारा, जैसे कि हम एक हमारा फल है केला, इसको हम हिंदी में केला ही बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बनाना, ठीक है। और इसी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं भाई, संस्कृत में कंदली बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, संस्कृत में हम इसको कंदली बोलते हैं। तो यहां भी आपने देखा कि हमारे पास फल एक ही है लेकिन इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो हमको अध्ययन में क्या होती है, दुविधा होती है। इसी अध्ययन में दुविधा को देखते हुए एक पद्धति क्या, एक पद्धति का विकास किया गया, जिस पद्धति का नाम क्या है, द्विनाम पद्धति। क्या नाम है इस पद्धति का, द्विनाम पद्धति। और इस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, कैरोलस रेनियस, कैरोलस लीनियस है। और द्विनाम का क्या अर्थ होता है, दो नाम, क्या नाम होता है भाई, दो नाम। इस द्विनाम पद्धति के आधार पर ही किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का वैज्ञानिक क्या होता है, वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। और उस वैज्ञानिक नाम में एक नाम क्या होता है, वंश का नाम होता है, और एक क्या होता है, उसकी जाति का नाम होता है। हम आगे पढ़ेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी द्विनाम पद्धति है उसके जन्मदाता कौन है, हमारे कैरोलस लीनियस। क्या नाम है, कैरोलस लीनियस। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि भाई द्विनाम पद्धति के जो जन्मदाता है वो क्या है, कैरोलस लीनियस है। कौन है, कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस का नाम ये पहले ये नहीं था, कैरोलस लीनियस का जो प्रारंभिक नाम था वो था कार्ल वॉन लीने, इनका ये प्रारंभिक नाम था। इन्होंने ये अपना नाम, जब ये द्विनाम पद्धति दी उसके नाम, इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया, कैरोलस लीनियस कर लिया। इसी द्विनाम पद्धति के आधार पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं।
मैं आपको कुछ आपको एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे कि हम एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में एक साइड हम क्या लिखेंगे, उनके सामान्य नाम, एक कॉलम में उनके वंश का नाम लिखेंगे, एक कॉलम में उनके जाति का नाम लिखेंगे और एक कॉलम में उनका हम पूरा वैज्ञानिक नाम लिखेंगे। अब देखिए, जैसे हमारे पास पहला जो जंतु आता है मेंढक, इसका सामान्य नाम क्या होता है, मेंढक। अब अगर हम इसके वंश के बारे में बात करें, इसका वंश क्या होता है, राणा, और जाति का नाम क्या होता है, टिग्रिना। तो उसका कंप्लीट वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, राणा टिग्रिना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब और नाम लेते हैं हम, एक और मनुष्य, मनुष्य की जाति का नाम क्या होता है भाई, होमो। और इसकी जाति क्या होती है, सेपियंस। तो कंप्लीट नाम क्या हो गया इसका, होमो सेपियंस। इसी प्रकार और नाम लेंगे हम, जैसे वनस्पति का नाम लेते हैं किसी का, गेहूं। गेहूं की जो वंश होता है वो होता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम इसकी जाति का नाम है, तो पूरा नाम क्या होगा इसका, ट्रिटिकम एस्टिवम। उसी प्रकार एक और वनस्पति लेते हैं हम, मटर। मटर की जो वंश होता है वो होती है पाइसम, और वंश क्या होता है इसका, सटाइवम। तो कंप्लीट नाम क्या होगा भाई इसका, पाइसम सटाइवम। उसी प्रकार और जीव जंतु का नाम लेते हैं, जैसे हमारे पास बिल्ली होती है, बिल्ली, बिल्ली का जो वंश है वो है फेलिस, और जाति क्या होगी इसकी, डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस। तो पूरा नाम क्या होगा इसका, फेलिस डोमेस्टिकस। फेलिस डोमेस्टिकस, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर सिक्स, अगर हम शेर के बारे में जाने कि शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, शेर का होता है भाई फेलिस लियो। तो कंप्लीट नाम क्या होगा इसका भाई, फेलिस लियो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसी प्रकार से हम और देखेंगे कि और सारे और बहुत से नाम हैं जिनके हमको वैज्ञानिक नाम पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको आपको बताया शेर, बिल्ली, उसी प्रकार से हम और देखेंगे अभी, ठीक है, जैसे चीता। चीते का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है हमारा फेलिस टिग्रिस, फेलिस टिग्रिस। उसी प्रकार अगर हम गोरैया को देखें, गोरैया, गोरैया का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गोरैया का वैज्ञानिक नाम होता है पेसर डोमेस्टिकस। और अगर हम केले का वैज्ञानिक नाम देखें, केले का वैज्ञानिक नाम होता है भाई मूसा पेराडिसा, पेराडिसी का। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ चार हैं हमारे वैज्ञानिक नाम थे। अब क्या होता है कि द्विनाम पद्धति लिखने के कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम किसी भी चीज का यहां पे हम लिखेंगे कि द्विनाम पद्धति लिखने के नियम या द्विनाम पद्धति के नियम,
नंबर एक बात, सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे, नंबर दो बात, किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम लिखते समय उसके जब उसका वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसका जो वंश का जो पहला अक्षर होता है, जैसे हम मान के चल रहे केले का या मनुष्य का होमो, तो यहां पर जो हमारा एच है तो ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, बाकी सब क्या लिखे जाएंगे, ये स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। जैसे मैंने यहां पे क्या होता है, ये इसका वंश है, ये इसकी क्या है, जाति है। अब इस वंश का जो पहला लेटर है ये कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी सब छोटे लिखे जाएंगे, ये एक नियम है। नंबर थर्ड, किसी भी जाति का जब वैज्ञानिक नाम लिखते हैं या जंतु का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें दो चीज होती है, एक तो होता है उसके वंश का नाम, ठीक है, एक और दूसरा क्या होता है उसकी जाति का नाम। अब देखिए एक एग्जांपल और देखिए, मैंने एक और लिखा था यहां पे, क्या लिखा था, पाइसम सटाइवम, किसका है, ये मटर का वैज्ञानिक नाम है, किसका है। अब देखिए ये इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, इसका वंश है, वंश में इसका पहला लेटर हमने क्या बनाया है भाई, ये कैपिटल बनाया है, यानी कि बड़ा बनाया है, और बाकी सब क्या है, छोटे हैं। तो ये क्या है, इसका वंश, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं हम, जेनरिक एथिपेट या जेनरिक नेम। दूसरा ये क्या होता है, जातीय नेम, स्पेसिफिक नेम होता है, ये स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है। थर्ड बात या नंबर लास्ट बात क्या होती है, किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम तभी रह जाएगा जब वो नाम सभी द्विनाम पद्धति के नियमों को फॉलो किया जाएगा या विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार वो ऑथराइज किया जाएगा। ऐसे किसी का भी नाम वैज्ञानिक नाम नहीं रख सकते, तभी रखा जाएगा जब वो द्विनाम पद्धति के नियम को क्या करेगा, पूरा का पूरा वो फॉलो करेगा, तभी उसका वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं ये आज का टॉपिक आपके समझ आया होगा। तो नित्यम का साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आपको होली की शुभकामनाएं, धन्यवाद।